भाई मैं ब्रेक डाउन नहीं करने वाला, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ रिव्यू में। सो लेट्स ओपन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रिवर्स। कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां से रिडलर ने बम धमाके एंड पॉलिटिक्स का पानी पानी कर दिया था, और ये सब न्यूज के थ्रू कवर होता है। देन वी सी ऑस कोबलपॉट द पेंगुइन, कैन यू सी द वेट शूज मार्क, जिसको हम कुछ नजरियों से देख सकते हैं, जैसे उसके क्लब में शावर एलिमेंट्स हैं तो वहाँ से आया होगा, या फिर ऑफ कोर्स शहर पूरा डूबा हुआ है तो वहाँ से भी जूते भीगे होंगे। पर इसका सबसे अच्छा ईस्टर एग है पेंगुइन इज बैक फ्रॉम द कोल्ड आइसबर्ग एंड उसने छुपना बंद कर दिया है। एंड आई मस्ट से इसकी राइटिंग को काफी प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंस देकर लिखा गया है, क्योंकि कोबलपॉट का कैरेक्टर यहाँ काफी अच्छे से एक्सपैंड होता है सीन बाय सीन। एज द पेंगुइन इज द प्रोटैगनिस्ट नाउ, तो हमें उसका एक वास्ट प्लानिंग एंड माइंडसेट देखने को मिलेगा, एंड मोस्टली ही गोना बी अ पार्ट ऑफ द बैटमैन पार्ट 2। सो कोबलपॉट एक स्लेज हैमर लेके आता है आइसबर्ग लॉन्ज से, जहां पानी ऑलरेडी निकाला जा चुका है, और ईस्टर एग ये भी आता है कि नाउ आई एम रेडी टू ब्रेक द आइसबर्ग ऑफ फैल्कोनी एम्पायर। एक आयरन वॉल के पीछे उसको कुछ सबूत हाथ लगते हैं जो जॉनी विटी के अगेंस्ट होते हैं। कॉमिक्स में जॉनी विटी कारमाइन फैल्कोनी का नेफ्यू होता है, प्लस एक हिट मैन भी होता है, बट ही वॉज शॉट डेड बाई द हॉलीडे किलर ऑन हेलोवीन। लेकिन रिवर्स में ही इज जस्ट एन अंडरबॉस आई थिंक। शायद कारमाइन फैल्कोनी ने ही ये सबूत जुटाए थे इन केस इफ जॉनी गोस नॉटी। वहीं पर अल्बर्टो फैल्कोनी आ जाता है द नेक्स्ट हेयर ऑफ फैमिली बिजनेस, एंड ये सीन वाकई में इतने अच्छे से लिखा है दैट अंदर से हम फील कर पाते हैं दैट शेर तो गया, अब तू क्या चीज है। सो कोबलपॉट अल्बर्टो को शांत करता है, उसके साथ चिल करता है। अल्बर्टो अपने प्लान्स बताता है अबाउट ड्रग्स अपग्रेडेशन एंड रेवोल्यूशनाइजिंग द बिजनेस एंड स्टफ, और अपनी चिंता भी व्यक्त करता है कि वो अपने फादर जैसे रेस्पेक्ट कमा पाएगा या नहीं। जिसपे कोबलपॉट रेक्स कालब्रीजी के बारे में बताता है जो अंडरवर्ल्ड बॉस था, हु एग्जिस्टेड बिफोर द बैटमैन एंड ही वॉज अ गुड गाय ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गॉथम, जिसके अंतिम विदाई में सिटीजन्स ने परेड किया था। कॉमिक्स में सलीना काइल रेक्स की बेटी रह चुकी है एंड कालब्रीज क्राइम फैमिली को बाद में टेक ओवर करती है। वहाँ कोबलपॉट भले ही झूठे तरीके से अल्बर्टो को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन अल्बर्टो को भी पता है कोबलपॉट एक गुड सोल्जर के साथ साथ एक डर्टी सोल्जर भी है, बिकॉज वो सप्लाई मनी में हेरा फेरी करता था एंड अल्बर्टो मेक्स फन ऑफ कालब्रीज, जिसमें कोबलपॉट इंस्टेंटली अल्बर्टो को खत्म कर देता है। आई लिटरली गेव एन ओपन जॉ एक्सप्रेशन। सिनेमेटोग्राफी इज वे टू गुड। गॉथम का डार्क ड्रॉनिंग वाइब ये एपिसोड सच में वापस लेकर आता है आफ्टर द बैटमैन। आई प्लेड आर्कम सीरीज एक्सक्लूडिंग आर्कम नाइट, तो मुझे वो डिप्रेसिव टोन फील हो गई पूरे एपिसोड में। एंड जैसे मैंने बोला, सीन बाय सीन कोबलपॉट का कैरेक्टर एक्सपैंड होता है, जिसमें वो अल्बर्टो की बॉडी फेंक देता है। रीजन कुड बी ही डिसरेस्पेक्टेड रेक्स और ही जस्ट डोंट केयर, या फिर कोबलपॉट ठीक से वॉक नहीं कर सकता इसलिए डायरेक्टली वो बॉडी फेंक देता है। वही टीनेजर्स का गैंग कोबलपॉट की कार चुराने आया था, जिसमें विक्टर पकड़ा जाता है। कोबलपॉट उससे अपना काम करवाता है। एज आई एम सेइंग इट अगेन, सीन बाय सीन द कैरेक्टर एक्सपेंशन। कोबलपॉट विक्टर को शांत करता है, उससे अपनी बचपन की बातें करता है एज विक्टर सफर्स फ्रॉम स्टैमिनिन। ऑज रिटर्न्स टू द ड्रॉप्स बिजनेस, जहां से वो काउंसलमैन हेडी का कारमाइन के कर्ज में डूबा हुआ सबूत उसी को भेज देता है। आई मीन ये एक स्मार्ट मूव है। बेला रियाल के नजरों में वो अच्छा इंसान है, पर असलियत में ही इज अंडर द डेप्थ ऑफ डर्ट, जिससे ऑस काउंसलमैन हेडी को अपने जेब में रखेगा टू गेन मोर पावर इन पॉलिटिक्स और एज अ मेयर इलेक्शंस के लिए भी। ऑस हेड्स टुवर्ड्स जॉन विटी एक नई डील या प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, बट दे डिनाई। पीछे से अल्बर्टो की बहन सोफिया फैल्कोनी आ जाती है, और सेम टाइम ऑस अल्बर्टो का आइडिया खुद का आइडिया बनाकर बोलता है। सोफिया को पूरा डाउट हो जाता है विद ऑल सस्पिशन ऑफ अल्बर्टोस मिसिंग हिज आइडिया स्टीलिंग। सोफिया इनडायरेक्टली ऑस को लंच के लिए बुलाती है फॉर क्वेश्चनिंग। हियर इन द रेस्टोरेंट सोफिया खाना खाती है इन अ वाइल्ड वे। बाकी लोग भी ऑब्जर्व करते हैं क्या ये वही साइको किलर है हु रिटर्न्ड फ्रॉम आर्कम असाइलम द हैंगमैन, जिसका वो जिक्र भी करती है। सो इन द कॉमिक्स सोफिया इज वे टू बिग, इसलिए उसका नाम सोफिया फैल्कोने जाइगांटे भी है, और हैंगमैन इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में कारमाइन फैल्कोने के मर्डर में टू फेस यानी हार्वी डेंट का हाथ था। आफ्टर दैट सोफिया टारगेटेड एवरीवन जिन्होंने हार्वी डेंट को हेल्प किया था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने में। कमिंग टू द एपिसोड, सोफिया डायरेक्टली सवाल करती है अबाउट अल्बर्टो।
ऑज हमेशा के जैसे मेडअप रीजंस का सहारा लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो अपनी माँ से मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है एंड उसको आइडिया आता है अल्बर्टो के डेथ का सस्पिशन किसी और पे डालने का आफ्टर वॉचिंग अ सॉन्ग पुट द ब्लेम ऑन मेम। देन वो बॉडी डंप करने जाता है एंड विक्टर को मारने का डिसीजन लेता है, पर विक्टर ऑज को कन्विंस करता है दैट ही इज यूजफुल फॉर हिम एंड फॉर अदर पर्पसेस। एक्चुअली ये एक फनी मूवमेंट होता है जिससे कॉबलपॉट विक्टर को खुद से कन्विंस करवाता है कि वो ऑज के लिए काम करे, वरना बॉडी को डिक्की में रखते समय ऑज उसको ऑलरेडी मार देता। और फिर ऑज विक्टर को सिगार ऑफर करता है। वेल ऑज को सनराइज भी बहुत पसंद है, विच शोज ही बिलीव्स इन होप इन बेटर लाइफ इन स्टैंडिंग अ न्यू एम्पायर। अगर अल्बर्टो कालब्रीस को रेस्पेक्ट देता तो गोली के बजाय उसे भी सिगार मिलता। यहाँ पे ऑज का सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे होता है। एज ही मेंशनड, रेक्स के आखिरी समय में सिगार हाथ में था। एज अ सिंबल ऑफ रेक्स, ऑज कैरीज अ सिगार। यू डिडंट नोटिस और नॉट, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनेरियो यहाँ पे बैटमैन एंड रॉबिन का डिपिक्ट किया है, क्योंकि ऑज ने विक्टर को अपना साइडकिक बना लिया। वो मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है एंड हाउ इट इज पॉसिबल। मेट्रो में सबसे डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा गया है एंड दैट इज रिडलर कम्युनिटी रोमिंग विद अ क्यूआर कोड। मैंने तो बहुत ट्राई किया बट इट कुडंट बी स्कैंड। रिडलर को जेल होने के बाद भी लोग उसमें विश्वास करते हैं। द बैटमैन में हमने जोकर के फॉलोवर्स को देखा था और यहाँ रिडलर के फॉलोवर्स को। इसी यूनिवर्स में रिडलर की कहानी भी एग्जिस्ट करती है, अगर वो भी जानना है तो क्लिक द लिंक बिलो। अब यहाँ आता है सेल्वेटोर मरोनी का सीन वेयर ऑज ट्राइज टू कन्विंस हिम फॉर वर्किंग टुगेदर, पर मरोनी खुद एक एम्पायर पे खड़ा होता है। इन कॉमिक्स मरोनी क्राइम फैमिली भी एग्जिस्ट करती है विच इज बिगर देन फाल्कोनी। मेरे हिसाब से ऑज दो बातें लेकर आया था, सेटिंग अप दिस ट्रैप। अगर सैल मरोनी मान जाता तो ठीक होता, सिंस उसने मना कर दिया तो उसने अंगूठी वापस कर दी जो अल्बर्टो ने पहनी हुई थी, और अल्बर्टो ने मरने से पहले बताया था कि ये सैल मरोनी की अंगूठी है, इसलिए सेफ्टी के लिए उसने वो अंगूठी ले ली थी। हियर वी सी द डर्टी गैंगस्टर पॉलिटिक्स ऑफ ऑज कॉबलपॉट द पेंगुइन, जिससे वो अल्बर्टो के डेथ का ब्लेम सेल्वेटोर पे डाल देता है। इसके बाद ऑज विक्टर को कुछ करने को बोलता है। कॉबलपॉट सोफिया के हाथों पकड़ा जाता है। अनलकली वहां पे वो टीनेजर गैंग का एक मेंबर भी होता है हु वाज विद विक्टर, लेकिन वो सिर्फ टेंशन इंक्रीज करने के लिए था बिकॉज ही एंड द गैंग ऑलरेडी रैन, तो पता क्या होगा। एंड हियर वी सी कॉलिन फेरल्स कंप्लीट बॉडी प्रोस्थेटिक, सर से पांव के अंगूठे तक। हैट्स ऑफ टू हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स को रिजेक्ट किया और सबसे हार्ड ऑन गेटअप चुना गया विच रिजेंबल्स टू द वर्जन ऑफ किंगडम कम। सो काफी टॉर्चर के बाद भी ऑस अपनी बातों पे टिका रहा। After some time, one car crashes into the ground. As you know, it was Victor who did crash it. And उसने अल्बर्टो की वही उंगली काटी जिसमें सेल्वेटोर की अंगूठी पहनी थी। So here, Oz छूट जाता है। विक्टर से खुश होकर उसके लिए अपने बचपन का फेवरेट स्लश पपीज का मिक्स फ्लेवर लाता है। And here we see a negative pair of Batman and Robin operating in Gotham City. पहले एपिसोड में इतना मजा आएगा मैंने नहीं सोचा था। R-rated होने की तो पूरी उम्मीद थी, पर ऐसा कनेक्शन सच में माइंड ब्लोइंग था। कांट वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड बट हैव टू वेट फॉर इट। और नई बात ये भी है कि मार्क स्ट्रॉन्ग को कारमन फाल्कोनी के लिए कास्ट किया एज न्यू एक्टर। मे बी वी सी हिज पास्ट आल्सो प्लेड बाय मार्क स्ट्रॉन्ग। कमेंट करो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या निकला। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, मेहनत बहुत लगती है। आई एम कॉम्सिस, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।